हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लुईस रिप्रेजेंटेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसके रूल्स देखे थे, यानी कि लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स के हमने रूल्स देखे थे। सो आज हम उसे ही सिंपल मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करने लगे हैं। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्वेश्चंस इन द सेंस अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, उसमें लोन पेयर, उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से शो करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है H2 का। स्टूडेंट्स, सबसे पहला हम देखेंगे H2 का। हाँ जी, सो H2 को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का पहले पता होना चाहिए, हम उसे एक बार रिवाइज करते हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए होती है वो होती है क्यू। हाँ जी, मैंने आपको पिछले टाइम में सिंबल नहीं बताया था, आपको जस्ट इतना कहा था अभी सबसे पहला रूल होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। सो क्यू होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं उनके जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं आपने उसको कैलकुलेट करना है और उसे हमने क्यू से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता था, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या होता था, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। थर्ड चीज स्टूडेंट्स जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जब हम इसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो इन तीन चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन तीन चीज़ों को चाहे स्टार लगा लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इन तीन चीज़ों से ही आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करने वाले हैं H2 मॉलिक्यूल का। देखिए स्टूडेंट्स, H2 मॉलिक्यूल के अंदर हमने कैसे इसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहला रूल होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना। सो H2 के केस में हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैसे निकालते हैं। अब H2 के अंदर कौन से एटम्स हैं, 2H हैं, है ना, तो देखिए 2 × हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन का एक और चीज़ मैंने यहाँ 2 × क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 2 है इस वजह से, है ना, तो ये एक का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 1, है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, ऑब्वियसली क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए 1s1 होगा, यानी कि जो फर्स्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब आउटरमोस्ट शेल यही है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता था टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला, मतलब कितने आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 के में कितने हो जाएंगे, 2 × 1 हो जाएंगे, यानी कि 2। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट कर लिए, सबसे पहला स्टेप हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना होता है, एक बार तो आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करोगे, उसके बाद ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इन तीन चीज़ों को निकाल के सीधा फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर H2 को कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो 2H हैं, ऑब्वियसली एक H ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन अराइज करता है, मैम आपने सेंट्रल एटम की भी बात की थी, तो यहाँ तो सेंट्रल की कोई बात होगी नहीं क्योंकि दोनों ही सेम एटम्स हैं। तो H और H में सबसे पहला पॉइंट जो हमें नोट करना है, हम बनाएंगे एक सिंगल बॉन्ड,
हम बनाएंगे एक सिंगल बॉन्ड इन दोनों के बीच में। अब आपको क्या, आपको कैसे पता सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा? एक बार ही सिंगल ही बनाना होता है। सिंगल बनाया तो आपको पता है एक बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप चाहे देख भी सकते हो, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है भी, दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। दो बॉन्ड का मतलब होता है चार इलेक्ट्रॉन्स, एक दो तीन चार, इसका मतलब क्या हुआ, चार इलेक्ट्रॉन्स है। और तीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, छह इलेक्ट्रॉन्स होना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये है और एक ये है। इतना काम हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक बार हमने क्या किया, दोनों एटम्स लिखे, उनके बीच में बॉन्ड दिखा दिया। फर्स्ट टास्क हमने कर लिया था, क्यू की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने। अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है, टू इंटू बॉन्ड होता है, कितने बॉन्ड है स्टूडेंट्स, एक ही बॉन्ड है, तो टू इंटू वन हो जाएगा, यानी कि टू। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाते, अभी तो देखो सिंगल बनाना होता है, पहले सिंगल बनाते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे और लास्ट में बनाएंगे डबल और ट्रिपल, अगर बनता होगा तो ही। तो अभी एज्यूम हमने किया अभी एक ही है और एक ही इसका क्या है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला यही होता है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, दो आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्यू कितना है टू, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने है टू, कितना आगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जीरो। मतलब इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। अब कई स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होगा, मैम लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर होता है दो इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं एक लोन पेयर, पेयर का मतलब तो यही होता है ना, दो का सेट होना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्लियर है। इसमें आपको सिर्फ दो ही, मतलब दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कौन सा, एक ही और एक ही। अब स्ट्रक्चर तो बन गया, अब कैसे चेक करें भी ये सही है या गलत है। देखो अगर मान लो, अब आपको कि मैम डबल और ट्रिपल का कैसे पता चलेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए, जीरो है, मतलब ये ऐसे कैसे ही रहेगा, इसमें और कोई बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब चेक करना है भी स्ट्रक्चर सही है नहीं, तो पहले इस हाइड्रोजन का आपने पूरा ऑक्टेट, या मैं कहूँ ड्यूप्लेट, जैसे हाइड्रोजन के केस में हम ड्यूप्लेट चेक करते हैं, तो इस हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट का मतलब क्या हुआ, ये 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी हमने देखी थी भी 1s1 होती है, पर बॉन्ड बनाने के बाद चेक करते हैं, ये हाइड्रोजन के पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे शो करते हैं, एक हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में एक था तो ऐसे, सिमिलरली इस हाइड्रोजन का भी क्या हाल था, ऐसे हाल था, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट में अब कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी दो शेयर कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, तो अब इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगी और इसकी भी क्या हो गई, 1s2 हो गई। तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। क्या स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, हमारा स्ट्रक्चर बना एच सिंगल बॉन्ड एच, और ऐसे इसके जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट करोगे। इस हाइड्रोजन की अब आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा इसका खुद का और एक इससे इसने बॉन्ड बना लिया तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का एक खुद का हो गया और एक इससे बॉन्ड बना लिया तो दो क्या हो गए, उसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए, इन्होंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। और जब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर सही बना है। अब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या बना है, बिल्कुल सही बना है। तो एक बार आप पॉज करके वीडियो को इसको नोट करेंगे और आपको मैं एक बार फिर से क्विक रिविजन देती हूँ, मैंने किया क्या किया क्या, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी स्टूडेंट्स, तीन चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ होती है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो होता है Q। उसके बाद हमें निकालना होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है टू इंटू बॉन्ड, ठीक है, टू इंटू बॉन्ड मतलब जितने बॉन्ड है, चाहे एक है, दो है या तीन है, उसको आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो बॉन्ड पेयर पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पता चल जाएंगे। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड है मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब छः इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से अगर आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। सो ये तीन चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है, अब मॉलिक्यूल पर आते हैं, मॉलिक्यूल्स में कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए H2 है,
सबसे पहला पॉइंट होता था टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना. ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, भी एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 होता है और इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1, यानी कि बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो हमने वैलेंस शेल ही कैलकुलेट करने होते हैं. टोटल मतलब कि जितने एटम्स हैं, तो यहाँ 2 एटम्स हैं, तो 2 के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? सो 2 के केस में क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. मतलब 2 एटम्स है तो एक एटम के केस में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के केस में 2 हो जाएंगे. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इतना करने के बाद हमने ना मॉलिक्यूल बना लेना है. एक बारी मॉलिक्यूल बनाएंगे मतलब हम एज्यूम करेंगे भी सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्योंकि H2 है तो H2 लिखकर बीच में बॉन्ड बना दिया. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे भी इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या कितने बॉन्ड बनेंगे, हम वो चेक करेंगे. फिर हम निकालते हैं बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स ये चेक करने के लिए. तो वो कैसे निकालेंगे, 2 × बॉन्ड करके कितना आ गया, एक ही बॉन्ड था तो 2 आ गए. अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से जब आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो 0 आ गया. मतलब इसके ऊपर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको और इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलेंगे. और वो भी 2 कहाँ देखने को मिलेंगे, उसके बॉन्ड पे, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है. तो उसके बॉन्ड पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, और कहीं इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेंगे. तो मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा. अब चेक करते हैं कि सही है नहीं है. तो इस हाइड्रोजन का अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब इस हाइड्रोजन को भी चेक करो तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड बन गया, मतलब उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है. अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 से क्या हो गई, 1s2, जो कि क्या होती है, स्टेबल होती है, फुलफिल्ड कंडीशन होती है. फुलफिल्ड कैसे होती है, 1s2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे भरे हुए हैं, यानी कि इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट है. तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारा ये स्ट्रक्चर सही हो जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. सो यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है NF3 का. ठीक है, सेकेंड जो हम स्टडी करेंगे वो है NF3. सो अब सब जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा वो एक, मतलब मैं कहूँ भी एलिमेंट एक ही था, हाइड्रोजन ही था, लेकिन उसके एटम्स 2 थे, है ना, H2 थे. लेकिन यहाँ पर आपको 2 तरह के एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, एक आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, एक आपको फ्लोरीन देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन देखने को मिल रहा है. तो इस केस में हम कैसे बनाएंगे, 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, दैट इज़ क्यू, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड चीज़ जिसका आपको पता होना ज़रूरी है वो होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड चीज़ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो सबसे पहले हम NF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो मैं आपको ये कहती हूँ भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने, राइट? सो अब हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो उसके आउटर मोस्ट शेल में हैं, है ना. सो अब NF3 में देखिए किसके होंगे, एक तो नाइट्रोजन के होंगे और किसके होंगे, फ्लोरीन के होंगे. लेकिन यहाँ पर कितने फ्लोरीन हैं, यहाँ पर 3 फ्लोरीन हैं, तो 3 × फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता होगा 7 होता है. तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10th के अकॉर्डिंगली लिखूँ तो 2-5 लिख सकती हूँ डायरेक्ट, या फिर जिस स्टूडेंट को ये भी नहीं आती है, मतलब 2-5 मैंने कैसे लिखा, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 2, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं ना सेकेंड शेल में, तो फिर 2 तो भर दिए, साथ में से 2 चले गए, कितने रह गए, 5. तो इस तरह से लिखा है. या फिर आप कैसे लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p3, ये होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो एस के और 3 पी के, यानी कि 5. यानी कि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 5. ठीक है, ये तो नाइट्रोजन का केस था, इसको मैं बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आप इजीली इसे नोट कर सकें. मैं आपको बेसिक से बताने की इसलिए कोशिश करती हूँ ताकि कई स्टूडेंट्स को जैसे दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉन्स बताने में भी, वैलेंस कौन से होते हैं, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो एटॉमिक नंबर को ही लिख देते हैं. लेकिन हमें ये याद रखना है हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, मतलब हमें बाहर वाली शेल के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं काउंट करने, सिर्फ बाहर वाले के. यानी कि ये जो फर्स्ट शेल है इसके नहीं काउंट करने, ये जो फर्स्ट शेल है इसके नहीं करने, सिर्फ बाहर वाले के करने. ठीक है, ये तो था नाइट्रोजन का. फ्लोरीन की बात करती हूँ स्टूडेंट्स. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9,
है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सिंपलेस्ट वे में लिखूँ तो 2 और 7, लेकिन अगर जो मैंने आपको थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर होती है वैसे लिख के दिखाना चाहूँ तो 1s2 2s2 5। कैसे मैंने किया, देखिए 9 होती है इसके जो एटॉमिक नंबर होता है, तो मतलब इसके हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 1s2, फिर 2 भर दिए 2s में, कितने हो गए 4, 4 और 5 कितने हो गए 9, 2p5। तो फ्लोरीन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p5। तो इस केस में स्टूडेंट्स इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हैं। देखो पहले शेल में कितने हैं, 2 हैं, पहले शेल में 2 हैं, बाहर वाले शेल में कितने, 2 और 5 यानी कि 7 हैं, है ना। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7। ये किसके थे, फ्लोरीन के स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, अब नाइट्रोजन के अभी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले कितने हैं, 5 है, प्लस 3 × फ्लोरीन के कितने हैं, 7 है। मैंने 3 × फ्लोरीन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लोरीन के एटम प्रेजेंट है इस वजह से। तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 5 + 21 यानी कि 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने आ गए, 26 आ गए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स क्या होता था, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, सेकंड स्टेप होता था स्ट्रक्चर बनाना है और फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है और 3 फ्लोरीन है। अब इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा है, अब या तो मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊँ, ठीक है, या फिर मैं ये भी तो बना सकती हूँ, मुझे क्या पता भी सेंटर में कौन सा है, मुझे क्या पता भी सेंटर में कौन सा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने आपको रूल बताया था, सेंट्रल एटम हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक वो कहते हैं हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सेंट्रल एटम होगा। तो इस केस में नाइट्रोजन की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो वो सेंटर पर आएगा और वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। तो वो क्या होगा, सेंटर पर आएगा और सेंट्रल एटम कहलाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फ्लोरीन सेंटर पर नहीं आएगा। तो अब क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ, नाइट्रोजन सेंटर पर और तीनों तरफ क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। और बॉन्ड को हमेशा ना पूरा दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो 3 जो फ्लोरीन है वो कहाँ आ जाएंगे, कॉर्नर्स पे आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या काम करना होता है, इसके बाद हमें ये जानना होता है भाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करते थे, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × बॉन्ड। अब देखो 2 × कितने बॉन्ड है, इधर आइए स्ट्रक्चर पे, एक तो ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो 2 × 3 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनको रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा और एक हीरा। एक बॉन्ड पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब आता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से जब आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दोगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 26, ये रहे निकाले थे ना, इसमें से हमने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6 को माइनस कर देंगे, कितने आ गए, 20 आ गए। ये क्या आ गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लोन पेयर क्या होता था स्टूडेंट्स, लोन पेयर होता था भी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 20, हमने क्या करना है, ये स्ट्रक्चर अब पूरा तो बना नहीं है, हमें पता है फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, यहाँ निकाले थे 7 होते हैं, ठीक है। तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और चेक करेंगे भी कितने हमारे लोन पेयर हैं। हम शुरू हमेशा साइड टर्मिनल वाले एटम से करते हैं, ठीक है, कैसे, डरना नहीं है, बताती हूँ। देखो फ्लोरीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाला भी इसका ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं अकेले फ्लोरीन के लिखूँ क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये स्ट्रक्चर है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसको स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना, 7 हैं इसके पास, एक चाहिए, ये पूरा हो जाएगा। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, नाइट्रोजन से, तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 20। यहाँ कितने पूरे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 20 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने शो कर दिए, कितने रह गए? 14। अब नेक्स्ट फ्लोरीन पे बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इसका खुद का 7, और एक इसके साथ बॉन्ड बन रहा है तो 8, मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अब फिर से गिनो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप कहोगे मैम आप इनको क्यों नहीं गिनते? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बॉन्डिंग नहीं करते, जो बॉन्ड नहीं बनाते। बॉन्ड ये वाला इलेक्ट्रॉन बना रहा है इसीलिए इसे काउंट नहीं कर रही, ये वाले तो बना ही नहीं रहे बॉन्ड तो इसे काउंट कर रही हूँ, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब कितने बॉन्ड मैंने आपको बोले थे? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 20 में से 12 हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, कितने रह गए स्टूडेंट्स? 8 रह गए। कोई बात नहीं, बनाते हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने और बन गए? 6 बन गए। 7वां ये भी इसका था और इसने बॉन्ड बना लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कितने रह गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स? 18 बन गए, ठीक है 18 बन गए, दो ही रह गए 20 में से, तो वो किस पे आ जाएंगे? देखो टर्मिनल वाले पूरे हो गए, साइडो वाले एलिमेंट पर हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। क्या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, ऑक्टेट बन चुका है, तो और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे? बीच वाले पे, क्योंकि साइडों वालों के पूरे हो गए, तो बीच वाले पे कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रह गए वो जाएंगे, समझ रहे हो? अब साइडो, अब चेक करेंगे भी ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, सबका ऑक्टेट चेक करेंगे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं कि नहीं है। तो इस फ्लोरीन में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पूरा है। इस फ्लोरीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा है। अब आता है बीच वाला आइटम, इसका भी चेक करना है, देखो कैसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इस पे अब मैं आपसे पूछूँ, इस नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर है। 1 लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं पूछूँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वो 2 है। लोन पेयर कितने हैं? 1 है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। पेयर का मतलब जोड़ा, 2 का है ना, तो वो 2 मतलब क्या हुआ? 1 पेयर हुआ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही मैं इस पे पूछूँ फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर है तो 1, 2 और 3। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। इन सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कहलाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ NF3। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपका NCERT का आपको एक ना साइड पे छोटा सा टेबल देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ है। तो ये आया कहाँ से, ये बना कैसे, मैंने आपको पूरा बनाकर दिखा दिया। अब आपने वीडियो को पॉज करना है, इसको स्टार्टिंग से नोट करना है। अभी पहले हमने निकाले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि कितने आए? 26 आए। ये आपको तरीका मैंने बता दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। अब बच्चे मैं पहले बता रही हूँ गलती कहाँ होती है, वो एटॉमिक नंबर को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आउटरमोस्ट शेल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। फिर आपने स्ट्रक्चर एक बार बनाना है नॉर्मल जो बना के दिखाया था, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो और उस पर बनाओ, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो ये स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज NF4 पॉजिटिव। अब ये चार्ज वाला क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं आपको ना पहले जो एग्जांपल्स अभी फर्स्ट और सेकंड करवाया है वो भी सिंगल बॉन्ड का करवाया है, ये भी सिंगल बॉन्ड का है, ताकि हम पहले सिंगल बॉन्ड बनाना सीखें, ठीक है। उसके बाद हम लोन पेयर, जैसे लोन पेयर वाला क्वेश्चन था NF3 वाला है ना, उस पर लोन पेयर था नाइट्रोजन पे। सो मेरी कोशिश ये भी पहले सिंगल बॉन्ड करें, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सीखें भी कैसे बनाते हैं। पहले सिंगल बॉन्ड तो आ जाए प्रॉपरली, तो पिछले केस में भी सिंगल बॉन्ड्स बने थे है ना, और ऑक्टेट कंप्लीट था। अब इस केस में भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, और चेक कैसे करते हैं? अभी सिंगल ही बनेगा या डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा, बस उसका ऑक्टेट चेक कर लो कंप्लीट है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई ना कोई गड़बड़ है, उसमें कुछ ना कुछ होना है, ऐड होना है, ठीक है। सो अब आता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल NF4 पॉजिटिव। आपको मैंने बताया था अगर किसी भी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में उसको माइनस करना होता है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसका मतलब है हमें उसके अंदर एडिशन करना है। कैसे? सबसे पहली कंडीशन होती है हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हम निकालेंगे
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आप देखिए NF3 के मतलब NH4 पॉजिटिव के अंदर कैसे निकालेंगे, एक है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कितने हाइड्रोजन है, चार हैं, तो चार इंटू हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब जो चीज़ आती है ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो अगर कभी भी पॉजिटिव आएगा तो मतलब आपने सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस पॉजिटिव वन चार्ज, पॉजिटिव वन चार्ज है तो उसको आपने माइनस कर देना है. अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो आप उसे प्लस करते. अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी आपको प्रीवियस में भी करवा के हटी हूँ, ठीक है, 7 होता है, तो आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. हाइड्रोजन का स्टूडेंट्स आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, चार हाइड्रोजन है तो 4 × 1 हो जाएगा, माइनस प्लस वन चार्ज, यानी कि प्लस वन ऐसे लिखेंगे, 5 + 4 − 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सबसे पहली कंडीशन जो हमारी फुलफिल होनी चाहिए. अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. या फिर एक और तरीका होता था चेक करने का, मैंने आपको बताया था लीस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, बी जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो कम कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम कहलाएगा, नाइट्रोजन बीच में बनेगा, ठीक है. अब कितने हाइड्रोजन है, 4, एक यहाँ बना दीजिए, है ना, ऐसे बनाते हैं. अब देखो, अब हमने क्या चेक करना होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड. अब बॉन्ड गिनते हैं कितने, देखिए 1, 2, 3 और 4 है, तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे, यानी कि 2 × क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है. अब इसको ड्रॉ भी करके देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. एक बॉन्ड पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने इस तरह से शो कर दिया. अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से जब आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करोगे तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8. 8 में से आपने क्या माइनस करने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वो भी कितने हैं, 8, तो क्या आ जाएंगे हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 0, यानी कि इस पे कोई लोन पेयर ही नहीं है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा हमें इलेक्ट्रॉन शो करने की ज़रूरत ही नहीं है. मतलब अब क्या चेक करना रह गया, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, बस और कुछ नहीं करना. अब देखो पहले हाइड्रोजन का देखते हैं, इस वाले का. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1s1, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, एटॉमिक नंबर 1 होता है. इसको अपना स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए. स्टेबल ड्यूप्लेट होता है या फिर ऑक्टेट होता है. ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए. एक इसके खुद के पास था, एक इसने नाइट्रोजन से ले लिया, मतलब ये स्टेबल है. ऐसे मैं सर्कल में क्यों बनाती हूँ, ताकि ये एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन को शो कर रहा है. मतलब इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे अपने ऑक्टेट को, इसने कर लिया. अब इस हाइड्रोजन को 1, 2, इस हाइड्रोजन को 1, 2 चाहिए थे, इस हाइड्रोजन को भी. तो ये क्या हो गया, बी इनका क्या है स्ट्रक्चर, मतलब हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो गया. अब बचता है सेंट्रल एटम, इसके भी चेक करो कितने हैं. देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 तो इसके खुद के हैं, ठीक है. साथ ही साथ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझ पा रहे हो. भी मैंने आपको पहले क्या बोला, भी इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, देखो 1, 2, 3, 4. अब आप कहोगे मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो नाइट्रोजन के 5 होते हैं, लेकिन आप 4 क्यों शो कर रहे हो. रीज़न, क्योंकि ये 4 ही बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड ही 4 बना रहा है, हाइड्रोजन ही 4 है, 5 तो नहीं है ना हाइड्रोजन, इसीलिए हमने क्या किया 4 हाइड्रोजन को जोड़ा. तो मैं कह रही हूँ इसके 4 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, बाकी 1 है किसने हाइड्रोजन से ले लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मतलब कि इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, है ना, ठीक है. देखो तो नाइट्रोजन के अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, मतलब वो स्टेबल है, ठीक है, क्लियर है. अब नाइट्रोजन भी स्टेबल है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन भी स्टेबल है, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है. क्वेश्चन ये राइज करता है, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये कहाँ लगेगा. आपको याद होगा मैंने बोला था अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो सेंट्रल एटम पे लगता है, और नेगेटिव चार्ज आता है वो टर्मिनल पे लगता है. अब पॉजिटिव चार्ज प्लस है वो किस पे लगेगा, सेंट्रल पे, ऐसे,
ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। आगे जाकर क्या होगा, आपको -2 -3 देखने को मिलेगा, तो वो नेगेटिव चार्ज है, वो बाहर लगता है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूला से। फिलहाल यहाँ पर हमें पता है भी पॉजिटिव हमेशा सेंटर पे लगता है और सेंटर एक ही है नाइट्रोजन, तो इस पे हमने पॉजिटिव शो कर दिया इस तरह से। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब देखो कैसे मैंने कैसे किया, पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले। कैसे निकाले, एक नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 4 हो गए। अब पॉजिटिव चार्ज था नया, जो नई चीज़ हमने सीखी भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करना है। तो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ गए, स्ट्रक्चर बनाया नॉर्मल, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा क्योंकि लीस्ट इन नंबर है ना। फिर हमने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 2 × बॉन्ड, 4 बॉन्ड थे क्योंकि 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है इस वजह से, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाले जो कि 0 हो गए, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे मतलब लोन पेयर तो नहीं है, बॉन्ड इतने और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिसे हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस फिर ऑक्टेट चेक करेंगे और चार्ज लगा देंगे। ठीक है, अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है 4th क्वेश्चन। अब ये जो है ये है डबल बॉन्ड का, या फिर मैं कह सकती हूँ जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का इकट्ठे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो अब जो आता है मॉलिक्यूल वो है O2। O2 के केस में कैसे करना है, स्टेप्स वही हैं। पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना। सो कीजिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसे 1s2 2s2, एक और तरीका है ना इसे लिखने का 1s2 2s2 2p2। फर्स्ट शेल में कितने, 2, और सेकेंड शेल में 2 तो एस के और 2 पी के, यानी कि कितने हो गए 2p4। कार्बन का लिख बैठी थी मैं, हाँ जी। सो 1s2 2s2 2p4, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में कितने, 2 और 4 6 हो गए। तो आउटरमोस्ट वैलेंस शेल कितने हैं, 6 हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 × ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, यानी कि 12। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। अब जो चीज़ हमें इसके अंदर देखनी है वो ये चीज़ है बी सेकेंड, हमने बनाना होता है स्ट्रक्चर। पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओ टू है तो एक ऑक्सीजन लीजिए, पहले आपने बनाना है सिंगल बॉन्ड, ये नहीं भी पहले आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, नहीं पहले आपने बनाना है सिंगल बॉन्ड एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन में। अब आप निकालोगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 × बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। 2 × कितना बॉन्ड है स्टूडेंट्स, एक ही बॉन्ड है, तो कितने आगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2 आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैलेंस में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो, वैलेंस है 12 और हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, तो कितने आगे 10, यानी कि अब इसमें कितने लोन पेयर बनेंगे, 10 बनेंगे। सो स्टूडेंट्स हमने देखे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आए 10, साथ ही साथ एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने पहले शो कर दिए। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 10, तो सबसे पहले ना हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ही बनाएंगे, फिर उसका ऑक्टेट चेक करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 में से 6 लगा दिए, कितने रह गए 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, इन लोन पेयर्स 10 को शो कर दिया। अब चेक करो ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं और 8 कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसका कंप्लीट नहीं है, मतलब ये स्टेबल नहीं है। अब आप कहोगे मैम हमने तो लोन पेयर भी 10 लगा दिया, अब और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लाए, नहीं ला सकते ना, 10 लग गए, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 8 9 10, 10 लगा दिए, इलेक्ट्रॉन्स भी और नहीं है, तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने काम क्या किया, 2 ऑक्सीजन बनाए,
उनके बीच में एक बॉन्ड लगाया, फिर हमने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाले, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 10 आ गए। अब हमने क्या किया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लगाए, हमने ये नहीं करना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करें, नहीं, पहले लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही थे, इससे ज़्यादा लगा नहीं सकते थे, नहीं तो यहाँ पे भी लगा देती, वो भी लगा दिए। अब हम ऑक्टेट चेक करेंगे, इसके अंदर तो ऑक्टेट में 6 थे, इसके 8 थे, ये स्टेबल था, ये स्टेबल नहीं था, तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा। अब क्या बनेगा, देखो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, इनके बीच में एक बॉन्ड था, 1 2 ये सेम बना रही हूँ, 3 4 यहाँ पर क्या था, 1 2 3 और 4 और ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो इन्होंने यहाँ एक बॉन्ड बना दिया, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये स्टेबल है या नहीं, तो पहले इस ऑक्सीजन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 दो बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टेबल है। अब इसको चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ओ डबल बॉन्ड ओ और इस पर दो लोन पेयर, दो लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब एक बार इसको पॉज करके नोट करोगे और आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ मैंने क्या बोला। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ गए वो 12 आ गए। अब हमने एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाया ओ और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड बना के, फिर हमने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाले 2 × बॉन्ड, ठीक है, वो 2 आ गए क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाले जो कि 10 आ गए, इसको सब्सट्रैक्ट किया। तो अब हमने ये 10 को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ से शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो गए। अब क्या करना होता था, ऑक्टेट चेक करना होता था, ऑक्टेट चेक करेंगे तो ये तो पूरा चेक है, ये पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करता है, लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 की कमी है, तो वो कैसे होगा, लोन पेयर भी भर दिए, 2 की कमी भी रह गई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर डबल बॉन्ड बना देंगे, उसके बाद चेक करेंगे तो दोनों के ऑक्टेट क्या हैं, कंप्लीट हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो ये स्टूडेंट्स अब आता है फिफ्थ स्ट्रक्चर, वो है SO2 का, ये है SO2, ठीक है। सो इसको भी करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, राइट। सो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है भाई आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक S है और 2 ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब सल्फर भी आपको बताया ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो सल्फर में भी आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन में भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, राइट। तो सल्फर के कितने होंगे, 6 और ऑक्सीजन के भी 6, तो 2 × 6 कितने हो जाएंगे, 6 + 12 यानी कि कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये तो हमने निकाले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना होता था, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब सेंटर पे कौन सा आएगा, सेंटर पे कौन सा आएगा, ऑक्सीजन सल्फर है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आपको पता ही है, और ऑक्सीजन और सल्फर में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होगी, है ना। सो या ये भी हम कर सकते हैं कि ये तरीका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ना सोचें, हम सिंपल सोचें लीस्ट नंबर किसका है, सल्फर का लीस्ट है, सल्फर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, एक सल्फर, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो हम कह सकते हैं एक सल्फर है तो सल्फर बीच में आएगा, सेंट्रल एटम है, 2 ऑक्सीजन है तो एक इधर बना दो और एक इधर बना दो, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × बॉन्ड होता है, तो 2 × कितने बॉन्ड है स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड तो यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, 2 × 2 बॉन्ड है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है। अब निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वैलेंस में से जब आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दोगे, टोटल वैलेंस कितने हैं, 18, इसमें से बॉन्ड पेयर को माइनस कर दो तो 4 है, वो कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स 14 इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने क्या कहा था, स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बनाना है, मतलब उसके अंदर उसे ड्रॉ करना है, हाँ जी। तो पहले हम क्या करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स को बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 कितने बन गए, 6 बन गए, 14 बनाने हैं, 7 8
नौ दस ग्यारह बारह। अब बच्चों यहाँ देखो, 12 तो हो गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन टोटल कितने थे, 14 थे। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो वो किस पे आ जाएंगे, सेंट्रल वाले पे आ जाएंगे। रीजन क्या है, अभी ऑक्सीजन पे और तो आ ही नहीं सकते ना, 6 तो आएगी ऑलरेडी, एक इसका खुद का ये रहा और एक इसका ये रहा, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। सिमिलर ल्यूस से ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों का। तो 2 लोन पेयर रह गए थे कैसे, एक बार दोबारा देखते हैं। 14 लोन पेयर हमने बनाने थे, इस ऑक्सीजन से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बन गए, 14 में से 2 रह गए, तो वो किस पे चले जाएंगे, सेंट्रल पे चले जाएंगे, राइट। सो अब इस केस में स्टूडेंट्स आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी सल्फर पे भी आ गए। अब नेक्स्ट काम क्या होता था, हमने लोन पेयर भी बना दिए, नेक्स्ट काम क्या होता था, ऑक्टेट चेक करना है। ऑक्टेट चेक करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस पे ऐसे इलेक्ट्रॉन शो करते हैं ना, 7 और 8 इसका तो कंप्लीट है, इस पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके भी 8 कंप्लीट है। अब सेंट्रल एटम को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 अरे बाबा ये क्या हो गया, इस पे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 होने चाहिए। तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा, और क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो क्या आप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देखो एक ऑक्सीजन था, सल्फर था, पहले सिंगल बॉन्ड बना हुआ था, ऑक्सीजन था, इलेक्ट्रॉन्स को इधर वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। इस सल्फर पे भी एक लोन पेयर था, ये वाले तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ 1 2 3 4। अब चेक करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ डबल बॉन्ड बनाने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दो बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इसके पास ऑलरेडी थे, तो ऑक्सीजन तो स्टेबल ही है। सल्फर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हमारे अकॉर्डिंगली ये स्टेबल है, लेकिन ये गलत है, अभी आगे और होगा। रीज़न क्या है, आपको मैंने बोला था जो टर्मिनल एटम्स है, बाहर वाले एटम्स, उनका तो ऑक्टेट चेक करोगे ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसके मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है। याद कीजिए लास्ट रूल, यहीं पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ तक तो बनाए आते हैं लेकिन इसके आगे वाला स्टेप भूल जाते हैं। भी सेंट्रल एटम के पास इतनी एक अच्छी स्पेशलिटी है, उसके पास एक क्वालिटी है, भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकता है। क्यों, वो अपनी कोवेलेंसी वैलेंसी पर डिपेंड करता है। सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 6, मतलब वो 6 बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ कितने बना रहा है, 1 2 3 मान लो लोन पेयर है, तो अगर इससे बनाता तो 4 और 5 नहीं 6 बना सकता है वो। देखिए मैंने लिखवाए थे सारे आइटम्स के, यहीं पर लिखवाए थे आपको नीचे, है ना। तो प्रीवियस वीडियो में रूल में जाके देख सकते हैं आप, लास्ट रूल था या सेकेंड लास्ट रूल था, तो 6 हो सकते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा। अब क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, देखिए यहीं पर मैं आपको इसी वाले में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, नहीं मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको थोड़ा, सो दैट आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाएगा, है ना। अब क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, एक ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन, कितने लोन पेयर यहाँ पर दिखा रहे हैं हमने, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाले कहाँ आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड और है, और यहाँ पर 1 2 3 4। अब काउंट करते हैं ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, इसको चेक करो, 1 2 3 4 दो बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, तो कितने हो गए, 8। सल्फर को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकता है, लेकिन इसके कोवेलेंसी चेक करो, वैलेंसी मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बन, मतलब कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मैक्सिमम इसकी वैलेंसी होती है 6, ये 6 बना सकता है, ठीक है। 4 इसके पास बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो 6 बना सकता है ना। सो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ना कि ये, यहाँ तक नहीं रुकना, इसके बाद ये स्टेप भी करना है। सो यस स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो आता है NO3-1, ये 6th वाला है हमारा NO3-1। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, देखिए नेगेटिव वाला आ गया, एक पॉजिटिव आपको करवा चुकी हूँ NH4+, अब नेगेटिव वाला है, और इसे करना कैसे, इसमें भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको फॉर्मल चार्ज भी निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। सो हम वो भी देख लेंगे। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, तीन है, तो एक नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और तीन ऑक्सीजन के। अब एक और चीज़ क्या है, नेगेटिव वन है, तो अगर नेगेटिव वाला है तो मतलब क्या करेंगे, प्लस, उसको ऐड कर देंगे, जो भी चार्ज होगा उसको, उस चार्ज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर अब पॉजिटिव था तो हमने माइनस किया था, नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। सो अब देखिए कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का आपको पता है आउटरमोस्ट शेल में पाँच होते हैं, अभी पहले एग्जाम्पल भी करवा चुकी हूँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाँच। ऑक्सीजन के करवा चुकी हूँ, छः होते हैं, तो थ्री इंटू सिक्स, थ्री क्यों किया, क्योंकि तीन ऑक्सीजन थे, ठीक है। प्लस कितना चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, वन चार्ज है, तो प्लस वन हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करोगे, नेगेटिव है तो प्लस वन हो जाएगा। यहाँ से कितने आ जाएंगे, 5 + 18 + 1 यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स कितने आ गए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 24 आ गए। अब चीज़ क्या स्ट्राइक करती है, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन तीन है, लीस्ट नंबर में कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को सेंटर में, ऑक्सीजन को कोनों पर ऐसे। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है इसके अंदर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 2 × बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, 2 × बॉन्ड होता है, तो 2 × कितने बॉन्ड्स है, देखिए 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट चीज जो स्ट्राइक करती है वो ये आती है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, वैलेंस में से जब आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करोगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वैलेंस 24 है, लोन पेयर कितने हैं 6, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं। तो कॉर्नर वाले से ड्रॉ करना शुरू करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 के 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए। अब चेक करेंगे वैलेंसी, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका खुद का और एक नाइट्रोजन का, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये भी पूरा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये भी पूरा है। अब आता है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या, नाइट्रोजन पास तो 6 ही है, नाइट्रोजन को तो स्टेबल बनने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड मतलब एक लोन पर अपना यहाँ शिफ्ट कर देगा और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये लोन पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब बाकियों के लोन पेयर की रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये वाले तो शिफ्ट कर दिए थे ना हमने डबल बॉन्ड में, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब चेक करते हैं स्टेबल है या नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ऑक्सीजन भी ठीक है। अब नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाइट्रोजन भी स्टेबल है, तो ये स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया। अब आती है बात उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बोला था अगर पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब तो ये भी वो सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, वो बाहर कॉर्नर वाले एटम पे। अब आपको क्या पता इस ऑक्सीजन पे है, इस पे है, ये इस पे है, आपको कैसे पता। तो अब आता है कंसेप्ट फॉर्मल चार्ज का, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको देखोगे, मैं रिवाइज करवाती हूँ, फिर फॉर्मल चार्ज बताऊँगी और उससे हम निकालेंगे भी किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव वन चार्ज है। पहले हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले, कितने आ गए 24, स्ट्रक्चर बनाया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाले कितने आ गए 6, लोन पेयर निकाले कितने आ गए 18, फिर 18 लोन पेयर बना दिए, फिर हमने ऑक्टेट चेक करा, तो ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट थे लेकिन नाइट्रोजन के 6 थे, तो एक ऑक्सीजन ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया और ये स्ट्रक्चर आ गया।
सो स्टूडेंट्स, आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिला था. अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, यानी कि हमें ये पता करना है ये जो नेगेटिव है ये इन तीन ऑक्सीजन में से किस ऑक्सीजन पर है. तो मैंने एक बार फिर से आपके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया थोड़ा बड़ा सा, ताकि हम फॉर्मल चार्ज को ईजिली समझ सकें. फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मल चार्ज को मैंने Fc से रिप्रेजेंट किया है. फॉर्मल चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम की बात करेंगे उसकी, ये नहीं भी अब अपनी इनके पूरे के करने हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऐड करके, नहीं, जिसका निकालना चाहते हो. मान लो नाइट्रोजन का निकालना चाहते हो तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का निकालना चाहते हो तो उसके वैलेंस, जिस एटम का आप निकालना चाहते हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर. ठीक है, अभी उस पर कितने लोन पेयर हैं भी देखो. जैसे इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो एक, ठीक है, लोन पेयर बोला है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कर लीजिए इसको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है, तो माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एक दो तीन चार, चार लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन पे, तो चार लिखोगे. माइनस बीपीई, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ दो बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक दो तीन चार, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, चार. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे. उससे पहले हम क्या करेंगे, इनको नंबरिंग दे देते हैं. ये ऑक्सीजन फर्स्ट कह देते हैं, ये सेकेंड कह देते हैं, ये थर्ड कह देते हैं. अब हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज फर्स्ट पे, यानी कि इस पे क्या फॉर्मूला होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस कितने हैं, देखो वैलेंस ऑक्सीजन के कितने होते हैं, देखना तो है ही नहीं इसमें, कितने होते हैं, छः होते हैं, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर एट है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिक्स होते हैं. माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कितने लोन पेयर हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिक्स माइनस सिक्स. माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाई टू, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड कितने हैं, दो, एक है बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दो, एक बॉन्ड पे दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टू, डिवाइडेड बाय क्या है फॉर्मूला में, टू. यहाँ से क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस सिक्स माइनस वन, यानी कि माइनस वन, यानी कि इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, माइनस वन. आप एरो लगा के लिख भी सकते हो ये क्या है इसका चार्ज है, माइनस वन क्या है इसका चार्ज है. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड की बात करते हैं. सेकेंड वाले के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं. देखो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छः. माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स माइनस सिक्स. माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक ही बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन्स हुए. माइनस टू बाई टू क्या होगा, सिक्स माइनस सिक्स माइनस वन, यानी कि माइनस वन. ये क्या हुआ, इस पर भी माइनस वन आ गया, ऊपर भी माइनस वन आ गया, तो ये माइनस वन है किसका, कोई नहीं अभी बताती हूँ. देखो इस पे भी क्या आ गया, माइनस वन चार्ज. अब देखते हैं थर्ड वाले पे. थर्ड वाले का केस में क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिक्स. माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक दो तीन चार. माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय टू, बॉन्ड कितने, दो, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, चार, एक दो तीन चार. माइनस फोर बाय टू, यहाँ से क्या आएगा, सिक्स माइनस फोर माइनस टू, सिक्स माइनस सिक्स, यानी कि ज़ीरो. कितना हो जाएगा यहाँ पर, ज़ीरो हो जाएगा. सो इसका मतलब क्या हुआ, इस थर्ड वाले ऑक्सीजन पे क्या है, नो चार्ज, ज़ीरो चार्ज. अब बात ये आती है, अभी आपने बोला था नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बाहर वाले पे होता है, तो उस पे तो होगा नहीं, इन दोनों में से है. अब दिक्कत है भी, अब ये दो नेगेटिव है, इसका मतलब तो माइनस टू हो गया, इस पे माइनस वन है, मतलब ये तो मॉलिक्यूल ही गलत. नहीं, एक एटम अभी भी रह गया, वो है नाइट्रोजन. तो इसका नाम आप लिखोगे, मतलब इसको फोर लिख लो, फोर्थ एटम का कैलकुलेट करते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में पांच होते हैं. माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर एक भी नहीं है, जीरो. माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, देखो एक दो तीन चार, चार बॉन्ड है, एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन्स, चार बॉन्ड पे आठ इलेक्ट्रॉन्स, चार पर कितने हो गए, आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फॉर्मूला में एट बाई टू हो जाएगा ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाई टू, क्या आ जाएगा, फाइव माइनस फोर, यानी कि प्लस वन, यानी कि इस नाइट्रोजन पे क्या है, प्लस वन चार्ज है. तो अब मैं कहूँ टोटल चार्ज कितना है इस पे, माइनस वन और प्लस वन, टोटल चार्ज कितना हो गया, माइनस वन, यानी कि ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल सही है. ठीक है, सो आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही लिख के आओगे लास्ट में भी, इस पे प्लस वन चार्ज, इस पे माइनस वन, इस पे माइनस वन, और इस पे ज़ीरो. ठीक है, सो ऐसे हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा. जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, तो आपने ऐसे ही बनाना है. पॉजिटिव आ जाए ना स्टूडेंट्स, तो सीधा सीधा मतलब है सेंट्रल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा.
बाकी नेगेटिव आ जाए तो आपको इस तरह से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके दिखाना है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है लास्ट जो मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, जिसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, वो है SO4-2, ठीक है, या फिर 2 नेगेटिव भी कह सकते हो। सबसे पहली चीज़ होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना। सो हम इसमें निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है? इसमें एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन के, क्योंकि 4 है और ऊपर चार्ज है नेगेटिव, -2 चार्ज है। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? -2 का मतलब है हम इसमें ऐड कर देंगे +2। अगर नेगेटिव होगा तो उसको ऐड करेंगे, पॉजिटिव होगा तो उसको क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे, ठीक है। सो अब देखिए इसमें क्या है, हम सल्फर में हमें पता है वो ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 प्लस ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 4 × 6 + 2, इसका मतलब क्या हुआ? 6 + 24 + 2, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमें पता है सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 हैं, तो सल्फर क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। सल्फर को बीच में बनाएंगे क्योंकि वो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करना है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 2 × कितने बॉन्ड्स हैं? तो चेक कीजिए कितने बॉन्ड्स हैं। 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड्स हैं, तो 2 × 4 मतलब 2 × 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 हैं। अब आता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? टोटल में से जब हम बॉन्ड पेयर को माइनस करते हैं, टोटल कितने हैं? 32 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हमारा 24 हो जाएगा, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 24 है। अब हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसको हल्का सा मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ। 20 हो गए थे ना, हाँ जी, तो 21, 22, 23, 24 सारे के सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? फिल हो गए। अब क्या चेक करते थे हमने? वो चेक करना है भी इस पे ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट। चारों ऑक्सीजन जो टर्मिनल पे हैं, साइडों पर हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब सल्फर की बारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी कंप्लीट है? नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 6। इसे 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने हैं, 4 बने, एक और बन जाएगा 5, एक इधर से बन जाएगा, कितने हो जाएंगे? 6। तो अब जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपको हल्का सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हाँ जी, जो अब स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा वो देखो क्या है, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको भी रेज कर देते हैं, हाँ जी, ऊपर भी क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। अब लोन पेयर एक बार देखते हैं, यहाँ तो पूरे 6 लोन पेयर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे भी सारे के सारे हैं, यहाँ पर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऊपर भी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो यहाँ बॉन्ड बने हैं उसे मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। तो ये बॉन्ड बने हैं, तो ये डबल बॉन्ड बन गए। अब स्ट्रक्चर तो हमारा सही हो गया, चेक करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डन है। सल्फर को देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन वैलेंसी 6, मतलब 6 बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बॉन्ड बना रहा है। अब चार्ज आता है -2, किस पे आएगा?
सेंट्रल पे तो पॉजिटिव आता है, साइडों पे माइनस आता है. नंबरिंग दे दो, 1, 2, 3, 4. फर्स्ट पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं. फॉर्मल चार्ज क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ऑक्सीजन का 6 होता है. माइनस क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. कितने लोन पेयर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है. माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बॉन्ड बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 / 2 हो जाएगा. क्या आएगा यहाँ से? 6 - 6 - 1 यानी कि -1. यानी कि इस ऑक्सीजन पे क्या है? -1 चार्ज है. फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन सिमिलर है तो इस पे भी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा. अब आता है थर्ड और फोर्थ पे. थर्ड पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के 6 होते हैं. माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. कितने लोन पेयर हैं? 1, 2, 3, 4. 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं. माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए. -4/2. 6 - 4 - 2 यानी कि 0. यानी कि इस पे 0 है. और थर्ड और फोर्थ क्या है? सिमिलर है तो इस पे भी 0 हो जाएगा. तो अब नेगेटिव किस पे है? फर्स्ट और सेकंड पे. -1 - 1 कितना होता है? -2. और मॉलिक्यूल पे क्या है? -2 चार्ज है. ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क था भी, हमने सल्फर की वैलेंसी देखनी है, 6 करनी है, इसीलिए इन दोनों ने अपने लोन पर शिफ्ट करके 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे. बस फिर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके हमारा ये सॉल्व हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, यहीं पर तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं. अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दूंगी. अब आप सोचेंगे मैम इसे हम मेंशन कैसे करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो टेंशन नहीं लेनी, कॉपीज में बना के रखिए. जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर की अभी आपको मैंने डालनी शुरू करी है होमवर्क सीरीज, है ना, वैसे ही जब इसकी होमवर्क सीरीज करवाऊंगी तो जब ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करूंगी आप मैच कर सकते हैं उस टाइम पे. सो अब 2 क्वेश्चंस आपके लिए आने लगे हैं एज अ होमवर्क. सो यस स्टूडेंट्स, अब है होमवर्क. उससे पहले एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी. बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी. सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा. अब आते हैं 3 क्वेश्चंस जो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ. आपने इनका स्ट्रक्चर, इनका फॉर्मल चार्ज सब कुछ निकालना है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. और जब हम इसकी क्वेश्चन की मतलब होमवर्क सीरीज करेंगे तब इसको मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगी. सो फर्स्ट जो आपका है वो है NO2-1, सेकेंड मॉलिक्यूल है SO3-2 और थर्ड है PO4-3. ठीक है, सो आपने इन तीनों का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मल चार्जेस को कैलकुलेट करना है. सो यस स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर हमारा फिनिश होता है. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन देखा था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिसके रूल्स देखे थे, और आज हमने सारे इसके क्वेश्चंस को क्या किया है, सम अप कर लिया है. अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं भी हाँ जी मज़ा आया, कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं. सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स.